जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और साथ ही साथ IPL से जुड़ी हुई जानकारी के लिए सिकंदर जी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनकी डिटेल्स शेयर हो रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दिया गया है। वहीं पर आज हम बात करेंगे IPL के मैच नंबर 55 की। ये मैच होगा 8 मई 2022 का और दिन होगा रविवार का। वहीं पे शाम के लगभग 7:30 बजे का ये मैच रहेगा। ये मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। देखना है कौन सी टीम दोनों इस मैच में विनिंग रहेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम का रहेगा पलड़ा भारी। तो बात करेंगे पहले CSK की, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की। MS धोनी की अगर बात करते हैं जो इसके कप्तान हैं, रिसेंटली ही चेंज हुए हैं, रविंद्र जडेजा इसके पहले कप्तान थे, उसके बाद MS धोनी की स्ट्रैटेजीज अगर देखा जाए तो काम काफ़ी हद तक CSK को आई है। और वहीं पर MS धोनी इसके कप्तान हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1981। टोटल देख करके चलें तो टोटल देख के चले इनका बनता है नंबर 6। वहीं पे ये नंबर जो है शुक्र रिप्रेजेंट करता है। अगर आज हम धोनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी हद तक धोनी हमें अच्छी नई स्ट्रैटेजीज के साथ नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स का अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बाकी में टीम वर्क चेन्नई सुपर किंग्स का हमें इस मैच के दौरान नजर आएगा। मगर वहीं पर अगर हम बात करें और वहीं पे अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करके चलें जिसके कप्तान ऋषभ पंत हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करके चलें तो 4 अक्टूबर 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। टोटल देख करके चलें तो राहु का नंबर बन रहा है, हम वहीं पे 4 नंबर बन रहा है। अगर हम इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस भी हमें ऋषभ पंत का काफ़ी हद तक अच्छा नज़र आएगा। और वहीं पर अगर हम इनकी स्ट्रैटेजीज़ की बात करके चलें तो काफ़ी हद तक अपने प्लेयर्स को अच्छी तरह से ये ग्राउंड में हमें आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ग्राफ मेंटेन रहेगा दिल्ली कैपिटल्स का। अगर हम स्कोर की बात करके चलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम वर्क हमें नजर आएगा। बाकी में अगर देखा जाए चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन काफी हद तक अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चांसेस जो है, अगर हम बात करें टॉस विनिंग के चांसेस जो बन रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमें बन रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के। दिल्ली कैपिटल्स के टॉस विनिंग के चांसेस कहूँगी। वहीं पर अगर मैच विनिंग की बात करें तो मैच विनिंग के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स जो है इनका मुश्किल हो सकता है रन रेट जो है चेस करना, चेजिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो कहीं ना कहीं चांसेस जो है मैं कहूँगी कि मैच नंबर 55 में दिल्ली कैपिटल्स के ज़्यादा बनते हुए दिखेंगे। मगर कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है प्लेयर्स की तरफ से बहुत अच्छा नज़र आएगा और MS धोनी की तरफ से भी काफ़ी हद तक नई स्ट्रैटेजीज हमें देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स पे जो है चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा हैवी हो सकते हैं। मगर हाँ, यहाँ पर अगर मैं मैच की बात करूँ मैच नंबर 55 की तो दिल्ली कैपिटल्स मैं कहूँगी कि मैच नंबर 55 जीत सकती है। वहीं पर IPL से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप सिकंदर जी से कॉन्टैक्ट कीजिए, स्क्रीन पर इनकी डिटेल्स हमने शेयर की है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दिया गया है तो आप सिकंदर जी से इनकी डिटेल्स ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मेरा YouTube चैनल लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राम।